नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे सेबी के मार्जिन रूल के बारे में। बात करेंगे कि सेबी का मार्जिन रूल आने का कारण क्या था और इसके क्या क्या इंपैक्ट आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। और साथ साथ काफी ट्रेडर्स को सेबी के मार्जिन रूल में काफी कंफ्यूजन थी और काफी डाउट था, तो मैं सबको एक एक एग्जाम्पल के साथ आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और लास्ट में दोस्तों आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपनी पेनल्टी को भी बचा सकते हैं। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि सेबी का जो मार्जिन रूल है वो 1 सितंबर से लागू हो चुका है। तो क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, वो पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा बोर्ड पे और यहाँ पे पहले हम बात करेंगे पीक मार्जिन की। तो पहला जो पॉइंट है वो है पीक मार्जिन। अब पीक मार्जिन के बारे में मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अब पीक मार्जिन जो है वो 100% रिक्वायर हो चुका है। अब आपका जो भी मार्जिन है, पहले जो मार्जिन के बारे में बात करना चाहूंगा, तो अगर आप ब्रोकर के पास ट्रेड करते हैं तो दो तरीके के मार्जिन होते हैं। एक तो होता है जो आप इंट्राडे के लिए करते हैं, जैसे एमएस ऑर्डर आप लगाते हैं, और दूसरा होता है वो डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी में आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता था, और इंट्राडे में क्या होता था कि इंट्राडे में आप कुछ मार्जिन का यूज करके, यानी कि ब्रोकर आपको लिमिट देता था जिसकी वजह से आप क्या कर सकते, इंट्राडे में सेल बाय कर सकते थे। अब हुआ क्या है कि इसमें अब पीक मार्जिन जो आपको मिलता है, अब इसमें 100% की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। यानी कि अगर आप एमआईएस ऑर्डर भी डालेंगे तो उसमें भी आपको 100% की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपके पास पूरा फंड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कहना चाहूंगा किसी शेयर की कीमत 100 रुपीज है, मान के चलिए अब 100 रुपीज शेयर की कीमत है, तो उसका जो पीक मार्जिन होता था एग्जाम्पल के तौर पर वो 20% से 30% होता था। अब हर शेयर का जो पीक मार्जिन है वो अलग अलग है, वो चाहे तो एनएससी की वेबसाइट पे जाके, एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि अब ये 100% हो चुका है। दिसंबर में ये 25% था, फिर ये 50% बढ़ के फिर 75%, अब ये 100% हो चुका है। अब हुआ क्या है कि अब जब भी आप ट्रेड करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंट्राडे ट्रेड आप बनाएंगे, तो उसमें आपको 100% मार्जिन देना पड़ेगा। भैया जितना एग्जाम्पल के तौर पर जो उसका मार्जिन है, जैसे कि स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, उतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड अपना बना सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पहले के टाइम पे क्या होता था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हर ब्रोकर अपने हिसाब से क्या करता था, आपको लिमिट देता था, मार्जिन देता था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास आप 100 रुपीज शेयर की कीमत है, उसका अगर मैं पीक मार्जिन की बात करूंगा वो कितना 20% है, यानी कि 100 रुपए का शेयर आपको ट्रेड बनाना है तो 20 रुपए यानी कि इसके 20% पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें भी ब्रोकर क्या करता था, आपको लिमिट दे देता था, 10 times, 20 times, 30 times, 50 times तक ब्रोकर आपको लिमिट देता था। अब ये सारा क्या कर दिया है उसने, बंद कर दिया है। अब सब ब्रोकर के लिए एक ही लिमिट, यानी कि अब ट्रेडर के पास पूरा मार्जिन होगा तभी वो ट्रेड कर सकता है, चाहे वो इंट्राडे ऑर्डर हो चाहे वो डिलीवरी ऑर्डर हो। उसके बारे में भी आऊंगा, बीटीएसटी के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, बट पीक मार्जिन मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पीक मार्जिन में 100% रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे मैं दूसरा पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अब मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड पॉइंट है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड बनाते हैं, फ्यूचर की अगर मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं निफ्टी की बात करता हूं। अब निफ्टी में एग्जाम्पल के तौर पर यहां मान लो एग्जाम मैं मोटा मोटा बताता हूं आपको, 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा है। अब 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा था, पहले क्या होता था कि जब डिलीवरी में आप काम करते थे तो आपको पूरा मार्जिन देना होता था। जब हम इंट्राडे में काम करते थे तो क्या होता था कि इसका भी क्या होता, 50% होता था इसका मार्जिन। 50% मार्जिन में आप बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे, इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते थे। बट अब क्या हो गया कि अब यहां पे भी एमआईएस में अगर आप ऑर्डर डालते हैं या फिर आप डिलीवरी में ट्रेड लेते हैं, डिलीवरी तो बिल्कुल सेम ही है जैसे पहले हुआ करता था, अब इंट्राडे में भी अब आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलेगा, पूरा अमाउंट आपके पास होगा, पूरा मार्जिन आपके पास होगा, तभी आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अब तीसरा जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग की भी मैं बात करना चाहूंगा। ऑप्शन बाइंग में आपको कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, ऑप्शन बाइंग में कोई चेंज नहीं है। आप ऑप्शन ले रहे हैं, चाहे आप ओटीएम ऑप्शन ले रहे हैं, एटीएम ऑप्शन ले रहे हैं, आईटीएम ऑप्शन ले रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्रोकर आपसे पहले उतना मार्जिन ले लेता था, क्योंकि आपका जो रिस्क होता है ऑप्शन बाइंग में वो लिमिटेड रिस्क होता है। तो ब्रोकर को पहले पता है कि ये जिस प्रीमियम की कॉल या पुट खरीद रहा है उसका वैल्यू क्या है, और अगर वो जीरो हो जाती है वो उसका पूरा अमाउंट आपसे ले लेता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो फ्यूचर ऑप्शंस और मैं अगर ऑप्शन बाइंग की बात करूंगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप फ्यूचर में इंट्राडे में काम कर रहे हैं, माइनस ऑर्डर डाल रहे हैं, तो दोस्तों आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। तो आशा करूंगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पर जो मेन पॉइंट है दोस्तों उसके बारे में बताना चाहूंगा, वो है बीटीएसटी। बट बीटीएसटी से पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। क्योंकि आप डिलीवरी बेसिस पे काम करते थे तो उसमें पहले भी पूरा मार्जिन लगता था, आज भी पूरा मार्जिन लगेगा। अब यहाँ पे मेन है बीटीएसटी। कई लोगों के मैसेजेस है और ट्विटर पे कई ट्रेंड भी चले बीटीएसटी खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कुछ चेंजेस है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। वो है, मैं आपको समझा देता हूं, बीटीएसटी बेसिकली क्या है। बाय टुडे सेल टुमारो। अब यहां पे दोस्तों आपको मैं समझाना चाहूंगा कि यहां पे हुआ क्या एक्चुअल में, कि जब भी मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने 100 रुपीज का शेयर है, अब वो आपने क्या करा, आज बाय करा। अब आपने कल क्या, कल के दिन आज बाय करके यानी कि T+1 में आपने बाय करा और कल आपने क्या करा, उसको सेल कर दिया। अब जब आपने कल उसे सेल करा तो उसके बाद अगर आपको T+2 यानी कि आज आपने T+1 में बाय करा, T+2 में आपने उसे क्या करा, सेल कर दिया। जब आपको दोबारा से इंट्राडे में बाइंग करनी पड़ेगी तो उसमें आपको एक्चुअल में क्या होगा, जो फ्री मार्जिन मिलेगा वो मिलेगा 80% मिलेगा। यानी कि मैं आपको दोबारा से इसका एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि आपने आज खरीदा कल बेचा, तो एग्जांपल के तौर पे आपने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर बेच दिए, बट आपको लगेगा कि भैया मैं दोबारा से 100 शेयर परचेस कर सकता हूं। अभी आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, एडिशनल मार्जिन आपके पास नहीं है। मैं तब बात कर रहा हूं जब आपके पास एडिशनल मार्जिन नहीं है। अब हुआ क्या कि आप तो 80 शेयर ही परचेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं दोबारा से आपको ये क्लियर करना चाहूंगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि TCS का शेयर है और TCS के मैंने 1 लाख शेयर परचेस करे एग्जांपल के तौर पे। अब आज मैंने T+1 में मैंने ये बाइंग करी। अब मैं T+2 में क्या करूंगा, इसको सेल करता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या करा, इसको सेल करा। अब जब मैंने इसे सेल करा और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में इसकी कीमत घट गई है, तो मैं और भी ज्यादा परचेजिंग कर सकता हूं। तो दोस्तों 1 लाख के नहीं कर सकता, मैं कितने के कर पाऊंगा, 80,000 के कर पाऊंगा। करने को आप 1 लाख के भी कर सकते हैं अगर आपके पास एडिशनल मार्जिन है, बट मैं तब बात कर रहा हूं जब आपके पास एडिशनल मार्जिन नहीं है, तो आप 80,000 के ही शेयर परचेज कर सकते हैं और बाकी का जो 20% है वो दोस्तों कुछ टाइम बाद ही फ्री होगा। तो फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप बीटीएसटी, कई लोग कह रहे हैं बीटीएसटी खत्म होगा, बीटीएसटी खत्म नहीं हुआ, आज बाय करके कल सेल कर सकते हैं, बट कल के दिन फिर से आपको बाय करना पड़ेगा। और अगर आपके पास एडिशनल मार्जिन नहीं है तो दोस्तों आपका जो फंड है वो 80% ही रहेगा, 20% जो फंड है वो कुछ टाइम बाद ही रिलीज होगा। तो यहां पे मैं आशा करूंगा कि बीटीएसटी वाला जो फंडा है, ये जो पॉइंट है, आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बट जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों जिसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं, काफी लोगों को इसके बारे में नॉलेज पूरी तरीके से नहीं है, तो मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप कोई यहां पे मान लो कोई पोजीशन बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप निफ्टी में कोई पोजीशन बनाते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। यहां पे कहना चाहूंगा निफ्टी में अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं और निफ्टी में अगर आपने पोजीशन बनाई, मान लो आपने निफ्टी की पोजीशन बनाई और इसका जो मार्जिन था वो 1.5 लाख का मार्जिन था, तो आपने निफ्टी क्या करी, यहाँ पे बाय करी। अब बाय करने के बाद आपने सोचा कि चलो मैं इसको हेज कर लेता हूं, तो आप हेज कैसे करेंगे, आपने निफ्टी बाय करी तो आपने क्या करा, एक पुट खरीद ली, आपने पुट बाय कर ली। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पुट बाय करी। अब पुट जब आपने बाय करी तो इसमें क्या था कि निफ्टी अगर आप नेकेड पोजीशन उठाते, डायरेक्टली फ्यूचर उठाते, तो 1.5 लाख का आपका मार्जिन लगता। अब यहां पे आपको आपने पुट भी खरीदिए तो आपका जो मार्जिन है वो कितना लगा, सिर्फ 30,000 का मार्जिन लगा, 30,000 का आपका क्या लगा, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लगा। अब यहां पे आपने सोचा चलो जी मैंने पोजीशन तो हेज कर ली, 30,000 में मैंने अपनी पोजीशन हेज कर ली। बट यहां पे आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो पहले वो पोजीशन से एग्जिट होना जो रिस्की पोजीशन है। एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूंगा कि अभी रिस्की क्या है, वो फ्यूचर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्यूचर से एग्जिट होना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, अगर मान लो आपने पुट एग्जिट करी पहले, तो पुट एग्जिट करी तो यहां पे मार्जिन जो होगा वो कितना है, वो 1.5 लाख का मार्जिन आपके पास होना चाहिए। आपके पास 1.5 लाख का मार्जिन नहीं है, आपने स्ट्रेटेजी क्यों बनाई, क्योंकि आपके पास फंड जो था वो क्या था, लिमिटेड था। अब आपके पास 1.5 लाख का मार्जिन खड़ा हुआ है तो वो ब्रोकर क्या करेगा, आपसे 1.5 लाख के ऊपर पेनल्टी ले लेगा। तो यहां पे कहना चाहूंगा आप स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं,
बट उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पहले एग्जिट उससे होना है, उस पोजीशन से होना है जो रिस्की पोजीशन है। अगर आप डायरेक्टली पुट से एग्जिट होंगे तो जो 1.5 लाख का जो वैल्यू है यानी कि 1.5 लाख का जो मार्जिन है उसकी पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो आशा करूंगा ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इसके क्या क्या इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि अभी इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट में ज्यादा काम होता है कैश मार्केट से ज्यादा। अगर हम देखते हैं पूरी वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट में कैश मार्केट में ज्यादा काम होता है डेरिवेटिव में कम, बट हमारे यहाँ उल्टे है, हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव में ज्यादा काम होगा और कैश मार्केट में आपको काम बहुत कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इसके जो इम्पैक्ट है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जो देखने को मिलेंगे, वो है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पर समझाना चाहूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं और हम देखते हैं कि जैसे निफ्टी है, अब हम देखेंगे निफ्टी का जो रेट है एग्जांपल के तौर पे 17,000 रुपए। मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट अभी स्पॉट मार्केट का रेट नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूँ 17,000 का है और इसको हम इंटू कर देंगे 50 से जो इसका लॉट साइज है। तो मैं डायरेक्टली अपने सिस्टम पे इसको देखना चाहूंगा और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट आपको दिखाऊंगा 17,000 × 50। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो मार्जिन आता है यानी कि टोटल इसका जो मार्जिन है वो 8,50,000 के आसपास का है। इसमें ब्रोकर आपसे कितना लेता है, 15% के आसपास लेता है। तो वो ये इंडियन मार्केट में है। अगर हम वही डाउ जोन्स की बात करते हैं, डाउ जोन्स में हम देखते हैं तो डाउ जोन्स में जो भी वैल्यू होती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि डाउ जोन्स का रेट मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ 3,000 रुपये और इसका लॉट साइज है 100। तो इसकी वैल्यू कितनी है हम यहाँ पे देखेंगे, ये वैल्यू एग्जांपल के तौर पर हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसका वो कितना लेता है, 5% लेते हैं, बट हम इंडियन मार्केट में कितने लेते हैं, 15% लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग ऑप्शंस में ज्यादा काम कर रहे हैं। और अगर आप कल की मार्केट भी देखते हैं तो कल मार्केट में ऑप्शंस में काफी स्पाइक्स आपको देखने पड़ेंगे, उल्टे सीधे हाई और लो आपको देखने को मिले होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि वॉल्यूम इंबैलेंस का मतलब ये होता है कि आपको अगर आप सब लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में आपको कुछ ना कुछ स्पाइक देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे किसी ने क्वांटिटी में दोस्तों ऑप्शन बाइंग करी यानी कि कॉल या पुट खरीदी, मान लो पुट खरीदता है, तो उसमें क्या है उल्टे सीधे रेट आपको स्पाइक्स वगैरह देखने को ज्यादा मिलेंगे, वो भी ऑप्शंस में। अगर आप कल की मार्केट देखें आपको ऑप्शन में हाई और लो उल्टे सीधे देखने को काफी मिले होंगे। तो ये चीजें ना आपको मार्केट में ज्यादातर फेस अप करनी पड़ेगी, हालांकि उसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। अगर कुछ स्पाइक में हाई और लो लगता है बट वो बाद में क्या होता है कि वो उसे मार्केट कवर कर लेती है। दूसरा दोस्तों क्या है कि आज को बिट प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों ये है कि जो सेलर है यानी कि बायर ज्यादा होंगे और सेलर कम होंगे। तो अभी मार्केट में ऑप्शन जो सेलर है वो आपको कम देखने को मिलेंगे, ऑप्शन बायर ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर कौन है, हालांकि रिटेलर भी ऑप्शन सेलर हो सकता है, बट मैं कहना चाहूंगा कि रिटेलर ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि अगर मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शन बाइंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। सेलर में कौन होगा, सेलर में हो गए वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों वहां पे कहना चाहूंगा कि जब ऑप्शन बाइंग ज्यादा होगी ऑप्शन सेलिंग कम होगी तो वॉल्यूम में कुछ इंबैलेंस आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है दोस्तों उसके बारे में कहना चाहूंगा वो है इंक्रीज्ड विक्स। मार्केट में विक्स जब बढ़ेंगी तो होगा क्या कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है अब आपको थोड़े से महंगे मिलेंगे। तो जब ऑप्शंस के प्रीमियम आपको महंगे मिलेंगे तो आप बड़े हुए रेट पे आप ऑप्शन बाइंग करेंगे जो कि काफी ज्यादा रिस्की रहता है। तो ऑप्शन जो सेलर हैं उनके तो काफी मजे हैं दोस्तों मार्केट में, बट जो ऑप्शन बायर हैं जिनके पास फंड कम है दोस्तों उनको काफी नुकसान मार्केट में फेस करना पड़ेगा। और अब लोग क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती ऑप्शन बाइंग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि फंड कम होने की वजह से उनके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बाइंग का ही रह चुका है। तो आशा करूंगा दोस्तों ये मैंने आपको जो पीक मार्जिन के बारे में बताया, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बताया, डेरिवेटिव के बारे में बताया, BTST और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और साथ साथ जो स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि आप अगर आप निफ्टी के साथ पुट को हैज करते हैं, तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई। वॉल्यूम इंबैलेंस के बारे में बताया कि क्या क्या इंपैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, विक्स जब बढ़ेगी तो ऑप्शन के प्रीमियम काफी ज्यादा महंगे आपको मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि ऑप्शन जो बाइंग करेंगे तो काफी महंगे रेटों पे करेंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में मैंने क्लियर करी। तो जो सर्कुलर आया है सेबी का उसका इंपैक्ट क्या है और साथ साथ सर्कुलर में क्या क्या चीजें मेंशन थी वो सारी चीजें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली जाऊंगा। अब मैं एंजल ब्रोकिंग के अगर आप देखेंगे एंजल ब्रोकिंग का चार्ट तो उसमें अभी भी फिलहाल आपको पूरी तरीके से मार्जिन खत्म नहीं कराया है। कई लोग कह रहे हैं कि मार्जिन बिल्कुल खत्म हो गया है, तो मार्जिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं कि आपको अभी भी इक्विटी में up to 5 times आपको मार्जिन मिल रहा है। अगर आप अभी इक्विटी में काम करते हैं तो आपको 5 times का मार्जिन मिलेगा और फ्यूचर में
ऑप्शंस बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में आपको वन टाइम का मार्जिन मिलेगा, बट अभी भी आप इक्विटी में ट्रेड बना सकते हैं, आपको ब्रोकर आपको 5 times का मार्जिन आपको देगा। तो एंजल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आप चाहे तो एंजल ब्रोकिंग में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने काफी चीजें क्लियर करी हैं। अब आशा करूंगा कि जो सेबी मार्जिन रूल में आपको जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और नीचे मेरा नंबर है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।